नमस्कार, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के गांधी घाट पार्क में जमशेदपुर नागरिक परिषद की बैठक मुख्य संयोजक शिव पूजन सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में इस बात की चर्चा की गई कि शहर में चोरी छिनताई छेड़खानी की घटना पर नागरिक परिषद की शिकायत पर SSP प्रभात कुमार ने अपराधियों पर अंकुश लगाना शुरू किया और चोरी की घटनाएँ भी कम होने लगी। जमशेदपुर में जब अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था तो ये नागरिक परिषद जाकर प्रभात कुमार से बोला था से कि शहर की जनता त्रस्त हो गई है और हर जगह छिनतई हो रहा है, चोरी हो रहा है, हत्या हो रहा है। और उन्होंने इस बात को महसूस किया और उन्होंने कहा कि अगर जनता हम पर साथ देगी तो निश्चित रूप से हम शहर के क्राइम पर कंट्रोल कर देंगे। और वो उस दिशा में काम किए। पहला काम उन्होंने किया कि शहर में जो हेलमेट चेकिंग में जुर्माना लगाया जाता था उसको बंद कर दिया जाए। दूसरी चीज़ कि उन्होंने चोरी को रोकने के लिए हर बस्ती में पुलिस से गश्ती शुरू की और जिस दिन से शुरू किए उस दिन एक भी चोरी इस शहर में नहीं हुई। और जहाँ जहाँ भी गंजेड़ियों का अड्डा लगता था वो अड्डा पर उन्होंने छापा मारा और 17 भट्टी को, अवैध भट्टी को तोड़ने का उन्होंने अल्टीमेटम दिया और शहर शांति की तरफ बढ़ रहा था। जनता भी एक शांति की सांस ले रही थी कि अब क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। हम लोग को भी ये विश्वास था कि अब क्राइम यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन जब एक बार एक कल बदली हुआ तो सारे शहर के लोग अवाक रह गए कि जिस दिन शहर में क्राइम चरम सीमा पर था उस दिन सरकार की नज़र नहीं खुल रही थी कि इसको हटाया जाए, दूसरा रास्ते लाया जाए। और जब शहर में क्राइम कंट्रोल कर दिया तो इसको ट्रांसफर करा दिया गया। इसका मतलब है कि यहाँ के जितने भी अपराधी हैं और जो ब्लैक धंधा करने वाले लोग हैं उन सबके साथ में राजनीतिक नेताओं और सरकार का एक समन्वय है। और अगर उन्हें के खिलाफ कोई भी जाएगा तो यहाँ पर नहीं टिक पाएगा। और इसी का नतीजा है कि आज डॉक्टर अजय कुमार ऐसा आदमी प्रशासनिक लड़ाई छोड़ करके चला गया राजनीति में। लेकिन एक बात जरूर है, सरकार उनकी है, ST बदलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन ये नागरिक समिति शपथ लेता है कि कोई भी ST या प्रशासनिक पदाधिकारी आए अगर इस शहर में क्राइम होता है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। चाहे उसके लिए सरकार जितना भी मदद करे, हम लोग पूरे जनता को जगाएंगे और एक नई क्रांति का हम आह्वान करेंगे कि जनता जो चाहेगी वो होगा, सिर्फ सरकार और प्रशासन के ताने नहीं होगा, जनता को शांति चाहिए।